नमस्ते प्रिय श्रोतागण आज बी एस के एस एक सौ पिचासी जो संस्कृत छंद और संगीत इसके अंतर्गत हम मैं डॉक्टर सोनिया और डॉक्टर आशीष चर्चा करेंगे संस्कृत छंद और संगीत के अंतर्गत संस्कृत छंदों के गायन की पद्धति तो गायन की पद्धति का महत्व क्या है इस विषय में डॉक्टर आशीष आज चर्चा करेंगे आ, संस्कृत छंद यह शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आता है कई लोगों के मन, मन में प्रश्न आ सकता है कि छंद इसकी क्या आवश्यकता है या छंदों का क्या महत्व है पद्य और गद्य में क्या भेद है तो इसी पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी मनुष्य की ये, ये स्वभाव है कि हम राग के प्रति संगीत के प्रति म्यूजिक के प्रति लय के प्रति हमारा एक स्वाभाविक एक आकर्षण होता है इसीलिए आप देखेंगे कि गद्य की अपेक्षा पद्य हमें ज़्यादा रुचिकर लगता है और उसको हम गाने का प्रयास भी करते हैं तो कहीं ना कहीं छंद जो हैं वो यदि गायन की शैली में आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है इसीलिए हम लोग आज आपको छंदों को संस्कृत छंदों को गान उसकी गायन की पद्धति को बताएंगे जिससे कि आप जो छंद हम चर्चा करेंगे उनको आप कैसे लंबे समय तक याद रखें और कैसे उनको गाकर आप स्वयं भी एक छंद का उदाहरण देंगे उस पर आधारित जितने भी छंद होंगे उन उस उन छंदों को आप उसी धुन में गाकर तैयार कर सकते हैं तो आज हम पहले छंद पर चर्चा करते हुए मैं, अब डॉक्टर सोनिया से मैं आवेदन निवेदन करूंगा कि वो पहले छंद पे के विषय में बताएं हाँ सी जी पहला छंद हम लेते हैं भुजंग प्रयात भुजंग प्रयात जो छंद है सबसे पहले आप यह जानते ही हैं कि छंदों में अक्षर गणना जब करते हैं तो तीन अक्षर मिलकर के एक गण बनता है उसमें यदि पहला अक्षर ह्रस्व तो उसके ऊपर हमें खड़ी रेखा आई और अगर अगला अक्षर दीर्घ है तो दीर्घ के लिए हम एस का चिन्ह लगाते हैं तो ये अक्षरों का कॉम्बिनेशन किस छंद में किस रूप में आता है ये उसके लक्षण से प्रतीत हो जाता है जैसे भुजंग प्रयात का लक्षण आप देखिए लिखा हुआ है भुजंग प्रयातम ही आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे भुजंग प्रयातम चतुर्भीर या परंतु इसमें थोड़ी सी धुन लाने से छंद का जो एक पहला ही पैरामीटर है कि छंद जो है है जिसमें गायन हो हो तो ये धुन आने से उसको स्मरण रखना आसान हो जाता है। इसी लक्षण पर आधारित हम उदाहरण लेते हैं जिसमें यह श्लोक सुना होगा आपने तो भुजंग प्रयात छंद को कैसे गायेंगे त्वेकम शरण्यम त्वेकम वरेण्यम त्वमेकम जगतपालकम् स्वप्रकाशम् त्वमेकम जगत पात्री प्रहंत्री त्वमेकम परमनिश्छलम् निर्विकारम् तो इस तरह से इन लक्षण के अंतर्गत लिखे हुए जितने भी श्लोक आपके सामने आएंगे इतनी सी धुन उसमें अगर हम सम्मिलित कर देते हैं वह स्मरण रखने में और मधुरता में सुंदरता में करने में हमारे लिए एक सहयोगी बनता है ऐसे ही अगर हम अगला छंद लेते हैं वसंत तिलका जिसका लक्षण है उक्ता वसंत का तब जा उसी धुन धुन में में जिस में आप श्लोक गाएंगे लक्षण को उसी में ही याद करें और गाने की दूसरी एक तो उसमें अक्षरों की गिनती साथ में यति अर्थात विराम पॉज हमें कहा लेना है गाते हुए तो जैसे कि वसंत तिलका के लक्षण को जब गाया था उक्ता वसंत तो इसमें यति बार आई एक बार आठ अक्षर के बाद है और एक बार अंतिम जब छह अक्षर पूरे हो जाते हैं क्योंकि चौदह अक्षर हैं पूरी पहली एक पंक्ति में जैसे श्लोक को देखिए इस श्लोक में जहां कोमा लगा करके विराम दिखाया है वहां हम अपनी कोई भी धुन लेंगे वहां रुकेंगे जैसे प्रारभ्यु विघ्न भये नीचही प्रारभ्य विघ्न विहता विग्न ही पुनः पुनरपि न परित्यजन्ति तो इस तरह से इतने अक्षरों वाली पंक्तियों के जो भी श्लोक हमारे सामने हो उसमें हल्की सी धुन आप अपनी भी कोई नई लगा सकते हैं जो राग जानते हैं वो राग का प्रयोग करके भी इन छंदों को स्मरण करने के लिए एक मधुरता इसमें ला करके उनको दीर्घ काल तक स्मरण कर सकते हैं आगे है छंद आशीष जी इसके बारे में बताएंगे जी शिखरणी इसका छंद का लक्षण सबसे पहले आप देखिए रसई रुद्रई छिन्ना यह इस छंद का लक्षण है अर्थात जिस छंद में यथाक्रम यगण मगण नगण सगण भगण और एक लघु और एक गुरु अक्षर हो तो उसे शिखरणी छंद कहते हैं और जहां तक यति का प्रश्न है आप देखिए इसमें रसई रुद्र इस लक्षण के अंदर ही दो शब्द हैं एक है रस और एक है रुद्र तो रस कितने हमारे संस्कृत साहित्य में हमारे या सामान्य जगत में आठ छह प्रकार के हमारे रस हैं तो यानी कि पहली यति हमें छे पर लेनी है और रुद्र कितने माने गए हैं ग्यारह तो दूसरी जो यति है वो हमें ग्यारह पर लेनी है तो यानी कि पहला जो विराम जिसके जिसको आ, क्योंकि आप एक ही साथ ग्यारह और छह सत्रह आप वर्णों को एक साथ आप नहीं गा सकते आपको कहीं ना कहीं बीच में एक विराम की एक श्वास विराम की आवश्यकता आपको पड़ती है इसलिए आप पहली सांस जो है वो छह अक्षरों के बाद लीजिए और दूसरी सांस आप ग्यारह अक्षरों के बाद लीजिए तो इस इसमें एक तो श्वास की बात हो गई और रसई रुद्रय छिन्ना यमन सब लागा लागाषकरणी इसका लक्षण भी आपको बता दिया गया अब कौन सी धुन ऐसी हो या किस धुन के माध्यम से हम शिखरणी छंद के लक्षणों को या शिखरणी छंद के उदाहरणों को हम याद रख सके तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं तो उदाहरण देखिए ये अभिज्ञान शाकुंदलम का श्लोक है इसको हम गाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें आप यति भी देखिएगा कि मैं यति कहा ले रहा हूं छह के बाद पहले तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा अनाघातम पुष्पम किसलयमलूनं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमना स्वादितरसं अखण्डं पुण्याना फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारम् कमिह समुपस्थास्यति विधि तो आपने देखा कि यहां पर पहले छह अक्षरों के बाद एक श्वास का अल्पविराम लिया गया यानी कि यति ली गई और दूसरी ग्यारहवें अक्षर के बाद जो मैंने आपको पहले ही बताया कि रस हमारे छे हैं और ग्यारह रुद्र हैं, छे और ग्यारह इस प्रकार आप इस धुन में शिखरणी छंद के उदाहरणों को श्लोकों को आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आशीष जी बहुत ही आपने सुंदर एक राग में प्रस्तुति के माध्यम से शिखरणी छंद को बताया अग्रिम हम एक छंद और लेते हैं जो है शार्दुल विक्रीड़ित सबसे पहले शार्दुल विक्रीड़ित छंद का जो लक्षण है उसको एक सूर्याश्वर यदि मह सज सतत अगाह ऐसे लिखा हुआ है इसी छंद में अगर हम थोड़ी सी धुन मिला करके उसको गाते हैं तो उस लक्षण भी स्मरण रहता है और इस पर आधारित लिखा हुआ उदाहरण भी जैसे सूर्याश्वैर्यम सजौ सतत शार्दूल तो ये लक्षण है इसमें यति भी बताई है लक्षण में कि कहाँ रुकना है कहा सूर्य अश्व सूर्य बारे आदित्य माने जाते हैं तो ये सूत्र लिखने की शैली है भारतीय ऋषियों की कि वह सूत्र को या लक्षण को संक्षिप्त और एक रुचिकर बनाते हैं तो संख्या सीधी न लिख करके बारह ने लिख करके प्रयोग किया सूर्य अर्थात तो वो बारह का प्रतीक है अश्व सात घोड़े सूर्य की सात किरणें तो अश्व प्रतीक है सात संख्या का तो हम पहला जो विराम लेंगे इस लक्षण पर आधारित लिखे हुए श्लोक में वो बारह पंक्तियों पर होगा दूसरा विराम अश्व अर्थात सात पर होगा तो देखते हैं एक उदाहरण जिसके अंतर्गत ये जो शार्दुल विक्रड़ित है अभिज्ञान शकुंतल वही जब शकुंतला की विदाई हो रही है उस समय ऋषि यह श्लोक बोलते हैं तो इसको याद करने का प्रकार कैसा हो सकता है कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भरतुर्वे प्रकृता पी तया मा स्म प्रतीपङ्गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येश्वनोत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयः कुलस्याधयः आप कोई और भी अपनी लय निकाल सकते हैं पर वहां ध्यान यही रखना है पहला विराम हम लेंगे बारह के बाद जैसे इसी में था ना प्रिय सखी यहाँ बारह हुए आप कोई भी धुन कोई भी तर्ज किसी भी राग तो पॉज जो होगा फर्स्ट सखी के बाद होगा दूसरी पंक्ति में रोशन तया वहां बारह हुए हैं तो वहां हमने अल्प विराम लिया पूर्ण विराम जहां है वहां सात हो जाते हैं तो उनको ऐसे गिन करके ये छंदों की एक गायन पद्धति है अगला हम लेते हैं मंदा क्रांता इसके विषय में सुनेंगे हम आशीष सर से जी मंदा क्रांता इस छंद का लक्षण आप सभी के सामने प्रस्तुत है मंदा क्रांता रस नगैर मो भुग्म अर्थात जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण दो बार और अंत में गुरु अक्षर हो उसे मंदा क्रांता छंद कहते हैं और इस पे जो यति है वो तीन जगह पर है सबसे पहले चार अक्षरों के बाद उसके बाद छह के बाद और उसके बाद सात के बाद तो जैसे इसमें मंदा क्रांताम्बुदी तो अम्बुदी जो शब्द है उस वो चार है उसका अर्थ है चार और रस जैसे आपको पहले बताया छे और नग सात सात प्रकार के जो नाग माने गए हैं नग माने गए हैं उसको सात की संख्या उसकी मानी जाती है तो चार छ और सात इस प्रकार आपको यति लेनी है ये थोड़ा सा लंबा श्लोक है उसमें सत्रह क्योंकि आप देख रहे हैं अक्षर चार छत इस प्रकार कुल मिला एक ही पंक्ति में सत्रह वर्ण या अक्षर हमें प्राप्त होते हैं तो इसको गाना भी थोड़ा सा मतलब नहीं मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको परिश्रम या एक एक अलग प्रकार की मेहनत की इसमें आपको आवश्यकता पड़ती है लेकिन इसको लंबे उसमें जब पंक्ति होती है उसमें गाने का स्कोप भी बढ़ जाता है जैसे छोटा श्लोक होगा तो उसमें गाने का स्कोप कम होगा लेकिन जब लंबी पंक्ति होगी तो उसमें राग को बिठाने की या म्यूजिक अधिक से देने की संभावना उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है आपको पता है कि कालिदास का जो मेघदूत है वो पूरा का पूरा मंदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है जिसके दो भाग पूर्व मेघ और उत्तर मेघ हम सभी जानते हैं तो उसी उत्तर मेघ का एक श्लोक जो कि बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है उसको मैं आपको जो बंदा चंद का है, उसको आपके सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा आप यति को जरा ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा चार छह और सात पर है ठीक है तो आप देखेगा तन्वी श्यामा शेखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणी सगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्या या तत् विषय सृष्टिरा देव धातु तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पहला तन्वी श्यामा चार पे शेख दशना छे पर पक्व बिम्बाधरोष्ठी सात पर आप चाहे तो वर्ण सात सात आप गिन सकते हैं मध्य क्षामा मा या क्षामा चार अक्षर हुए चकेता तीन हरिणी में तीन छे प्रेक्षणा में तीन और निम्न में चार सात कि चार सात इस प्रकार की तो हमें संगीत राग की समझ है, की समझ है, की समझ है और इसी धुन में आप, आप इसको धुन में आप याद कर सकते हैं एक और उदाहरण में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा और आपको चाहूंगा कि आप सभी लोग इस धुन में पूरे के पूरे मेघदूत को याद करने का प्रयास करें तो दूसरा श्लोक हम मंदा चंद का ही देखते हैं ताम जानी था परिमित मे जीविती दूरी भूते मई सहचरे चक्रवाकी काम गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवसे गच्छत सुबालाम जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्मिनी वान्यरूपा तो इस धुन में आप देखिए मंदाक्रांता का कोई भी श्लोक हो आप बड़ी सरलता से यति के साथ आप आराम से सहजता से पूरे के पूरे को मेघ दूत छंदों के उदाहरणों को आप याद कर सकते हैं अब चलते हैं अगले छंद पर अगले पर जाने से पहले आशीष जी मैंने ये देखा कि आप का ये संगीत इसमें जब बहुत अच्छा एक या उस संगीत की हम गहराई को जानते हैं उसका प्रयोग इन संस्कृत के छंदों में कर सकते हैं मेरे जैसे जो बहुत अच्छा संगीत नहीं जानते उनके लिए भी एक इस मंदा क्रांता छंद को गाने के लिए एक अच्छी तर्ज या धुन हो सकती जी, है जी जैसे जो नहीं है असहायो के लिए भी कोई ना कोई रास्ता बनता ही है <laughs> तो उसमें जैसे मंदा क्रांता का लक्षण है <laughs> मंदा क्रांता मभन तत् गां दिशा राग द्वीपा तो अब इस लक्षण पर उसी छंद को देखिए जो आशीष जी ने गाया राग से युक्त अब इसको एक सामान्य तन्वीक्ष्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकितहरिणि प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणीभारादलसगमन स्तोकनम्रास्तनाभ्याम् या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येवधातुः तो मेरे में भी यति वही रही जो की लक्षण के अंदर थी की जहाँ पर हमें पहले चार पर तो तनवी श्यामा वहां रुके फिर था आगे शिखरी दशना उसके बाद रुके आपने जो संगीत में एक इसकी तर्ज धुन बताई उसमें भी यति वही रही थी और जो एक सामान्य स्तर पर भी उसमें एक हल्का सा लयात्मकता लाते हैं तब भी यति का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना और चाहिए और आपकी बात से मुझे याद आया कि जैसे हमें मान लीजिए क्योंकि धुन जो है है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, इसमें आपको लंबा समय देना पड़ रहा है एक ही श्लोक पर लेकिन यदि हमें मेघदूत याद करना है या हमें मंदर छंद के बहुत सारे उदाहरण याद करने हैं जिसमें हमें समय कम है और हमें जल्दी जल्दी याद करना है क्योंकि हम ग्रंथ में इतना लंबा लंबा गा के शायद हम याद ना कर पाए कुछ श्लोक तो याद कर लेंगे पांच दस लेकिन पूरा ग्रंथ याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो एक धुन और मैं आपके सामने जो आपने बताया उसी प्रकार की है जैसे मेघदूत का पहला ही श्लोक है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्ता श्यापे नंगमित महिमा वर्ष भोग्ये नर्तु यश्चक्रे जनकनया स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्धाया तरुष वसतिम राम गिर श्रमेशु तो आप इस धुन में भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप श्लोक याद कर सकते हैं मंदल क्रांता के तो आप इस धुन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद है उपजाति हमारा अगला छंद इसका लक्षण आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत है उपेंद्र वज्रा जत जाऊ अर्थात जिस छंद में कोई चरण तो जो इंद्रवज्रा का हो या यानी कि इंद्रवज्रा छंद का हो और कोई उपेंद्र वज्रा छंद का हो तो उन दोनों के मिक्सचर को उपजाति छंद कहते हैं तो इंद्रवज्रा में भी ग्यारह वर्ण होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी ग्यारह होते हैं दोनों और उपजाति में भी ग्यारह ही होंगे क्योंकि दोनों का वो मिक्सर है उसकी एक पंक्ति में इंद्रवज्र जो छंद का लक्षण है वो घटित हो रहा होता है और दूसरे के में उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण घटित हो रहा होता है तो इसका उदाहरण जो बहुत ही ये भी बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कालिदास क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में अधिकांश उन्होंने इतने सुंदर सुंदर महाकाव्यों की और खंड काव्यों की रचना की तो उन्हीं के एक महाकाव्य का रघुवंश महाकाव्य का एक श्लोक जो कि उपजाति छंद में हमें प्राप्त होता है वो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं इसको भी मैं एक धुन हमने बनाई है इसको गाने का प्रयास करते हैं और आप भी उपजाति के उदाहरणों को इस धुन में आप गाकर याद कर सकते हैं जैसे है संचारिणी दीप शिखे यम यम पति पतिं वरासा इव तो उपजाति के और उदाहरणों को भी छंद में यदि गाने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ी सरलता से अनेक श्लोक आप बड़ी आराम से आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आशीष जी उपजाति छंद जैसे हम प्रतिदिन की अपनी पूजा इत्यादि में भी गाते त्वमेव माता ये जो श्लोक है ये भी उपेंद्र वज्रा जिसके लक्षण उपजाति से, से संबंधित होते हैं उसी में ही लिखा हुआ है उसको भी हम जैसे आप स्मरण ही होगा ये उससे पहले एक श्लोक और लेते हैं इसका नीति शतक वैराग्य शतक भर्तहरि का भोगान भुक्ता वयमेव वोक्ता तपोन न तप्तम वयमेव वप तप ताः कालो न याता वयमेव याता तृष्णानजीर्णा वयमेव जीर्णाः तृष्णानजीर्णा वयमेव जीर्णः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तो ये उपजाति का है इसको अलग तरह से भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविण सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तो ये छंद के जो लक्षण उन लक्षणों के आधार पर श्लोकों को याद करने की एक पद्धति है क्योंकि जैसा कि हम जिस पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी इन श्लोकों को गाने की आज पद्धति सीख रहे हैं वह हमारा कौशल आधारित है स्किल जो हमें संस्कृत में लिखे हुए हर एक पंक्ति के उच्चारण का बोलने का एक प्रकार है ऐसे ही नहीं किसी भी जैसे मंत्रों को बोलने का एक प्रकार अलग रहता है श्लोकों को बोलने का प्रकार अलग रहता है गद्य को पढ़ने का एक शैली है सेम ऐसे ही जैसे आप इंग्लिश के हाइकू जैपनीज जो लिखे हुए हैं हाइकू हैं या कविताएं है, हिंदी की जो हैं तुकबंधी उसमें अलग अलग प्रकार से गाते हैं उसी तरह हम समझ सकते हैं कि यह संस्कृत के श्लोक भी उसी आधार पर उन्हीं वैज्ञानिक तरीकों के साथ लिखे हुए हैं अगला हम मालिनी छंद आशीष जी से सुनेंगे जी मालिनी छंद इसका लक्षण सबसे पहले हम लोग देखते है न न मूते यम मालिनी भोगी लोकही अर्थात जिस छंद में दो नगण एक मगण और अंत में दो यगण हो उसे मालिनी नामक छंद कहते हैं इसमें पंद्रह वर्ण होते हैं और जो यति है वो पहले आठवें पे और दूसरी सातवें वर्ण पर होती है आठ और सात पंद्रह ठीक है तो इसमें भी हमें इसका एक बार उदाहरण लिखेंगे ना न उदाहरण ले, आप लेके आइएगा सर तो इसका उदाहरण है, तो है। सरसीजमु शीनापी रम्यम मलिनमी हिमाशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोती इधिक मनोज्ञा वल्क तन्वी मधुराणाम मंडनम नाकृति आपने इसको उदाहरण में देखा कि सरस मनुविधम कितने अक्षर हुए आठ शैवले नापी रम्यम कितने हुए सात तो पहला यति हमने आठ पे ली दूसरी सात पढ़ ली मलिनम अपी हिमांशोर आप सात गिनते रहिए आठ लक्ष्म लक्ष्मी तनोती सात तो आठ सात आठ सात आठ सात ऐसे करते करते आपको दो बार इसमें मौका मिलेगा यती लेने का और बहुत ही सुंदर यह भी कालिदास का श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का इस धुन इस में आप मालिनी छंद के जितने भी उदाहरण हैं उसको आप याद करने का प्रयास कीजिए और लंबे समय तक उसको याद अपनी अपनी स्मृति में उनको बनाए रखिए ऐसे ही एक मालिनी छंद काशीष जी और मेरे जैसे जो कम संगीत जानते हैं उनके लिए उदाहरण अगर हम देखें तो मालिनी छंद का लक्षण जैसा बताया मालिनी भोगी ननमयुते ये लक्षण है इस लक्षण आधारित वही श्लोक अगर हम देखें जिसमें यति का प्रयोग है सरसिजन सर सिम शैवले शैवलेनापी रम्यम मलिनम लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयमधिक मनोज्या वल्कले नापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम ना, ना तो जैसे आपने कहा कि पहली जो यति है विद्धम के बाद तो इसमें भी वहीं पर ही रुके थे कि सरसी ज मनु विद्धम शैवले ना तो छंद को गाने का जो प्रकार अगर हमारे सामने यति को पता है हमें तो हम अपने श्रोतागण को बता सकते हैं उस लक्षण के माध्यम से हम यति को जाने पहले तो उस आधारित लिखे हुए श्लोकों को हम गा सकते हैं और उनको स्मरण रख सकते हैं तो ये जो संस्कृत के छंदों के आज हमने कुछ छह सात छंदों के उदाहरण से उनकी गायन पद्धति को देखा उनमें भी यति का प्रयोग किस रूप में करना है इस आधारित जो छंद है उनको गाने का एक दो दो प्रकार लगभग देखे हैं आगे की इन चर्चाओं में हम इन्हीं छंदों पर आधारित या अन्य जैसे कि स्रक धरा है और भुजंग प्रयाग हरिणी है, है।, है बहुत सारे छंद हैं, संस्कृत साहित्य जिनमें लिखा हुआ है आप कोई भी विषय चाहे विज्ञान उठाइए खगोल उठाए गणित लें सभी जितने भी संस्कृत साहित्य में मिला हुआ जो शोध है ऋषियों ने उनको श्लोक बद्ध करके ही ग्रंथों में लिखा है उसके पीछे कारण है कि चीजें याद करने में जिसमें आसानी हो हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूला कितने ही लंबे कोटेशन में या एक कहे उसमें याद करते हैं जब प्रोज में तो स्मरण रखना मुश्किल रहता भूल है। जाते हैं बच्चे वही आप उनको बचपन में छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से या श्लोक लय प्रदान, करके, ले प्रदान करके करते हैं तो वह हमें अपने आजीवन स्मरण रहती है तो इन्हीं संस्कृत के छंदों की गायन पद्धति की वैशिष्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे धन्यवाद धन्यवाद